MBBS in Mauritius 2022. Yes. आप लोग सरप्राइज होंगे, सर क्या NMC रूल न्यू रूल के हिसाब से मॉरिशियस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉरिशियस में देयर इज नो इशू एट ऑल. यू विल सरप्राइज टू नो वन मोर थिंग, जो 2022 का जो जुलाई बैच है ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. सितंबर बैच के लिए अन्ना मेडिकल कॉलेज का फ्यू सीट्स आर ओपन. तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एज यू नो मॉरिशियस में मोर देन 70% पॉपुलेशन इंडियन है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया. तो मॉरिशियस में जो भी इंडिया में रूल चेंज होगा एज फॉर द न्यू NMC रूल, तो मॉरिशियस में तो मानना पड़ेगा, बिकॉज ये इंडिया गवर्नमेंट टोटली डिपेंड ऑन इंडिया. तो इसीलिए तो मॉरिशियस MBBS मॉरिशियस में अगर जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, पर जो स्टूडेंट्स एडमिशन्स करने के लिए प्लान कर रहे हैं, एडमिशन्स लेने के लिए 2022 में, क्या NMC रूल लागू उनके लिए परफेक्टली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, एज आई टोल्ड यू, NMC रूल मॉरिशियस के लिए देयर इज नो इशू एट ऑल, जो भी 4 पॉइंट NMC रूल का है. अगर आप MBBS मॉरिशियस के लिए, मैं एक चीज़ और हाईलाइट कर दूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स 2022 में सितंबर बैच में फ्यू सीट्स आप लेफ्ट. यस, जुलाई बैच क्लोज हो चुका है, सितंबर बैच के लिए अभी थोड़ा सीट बचा हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स है मॉरिशियस जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं डिटेल बता दूं मॉरिशियस के बारे में. मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है इंडियन से मॉरिशियस में. इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, मोर देन अन्ना मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टीज है, मोर देन 80% फैकल्टीज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, मोर देन 90% स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, 100% सिलेबस, जो इंडिया का जो MBBS सिलेबस है सेम सिलेबस मैच कर रहा है. FMG पासिंग रेट इज वन ऑफ द एक्सलेंट. तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो फी स्ट्रक्चर, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी स्ट्रक्चर को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स का कोरी रहता है, सर मॉरिशियस में जाना चाहता हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ऑफकोर्स 10-12 मिनिमम 60% चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो लाइक, अगर आपको बात करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नीट इज क्वालिफाइड द कंपल्सरी एंड पासपोर्ट, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एंट्रिंग इन टू मॉरिशियस. फी स्ट्रक्चर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. फी स्ट्रक्चर जो है, हियर इज द डिटेल फी स्ट्रक्चर, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर इनिशियली यू नीड टू रजिस्टर 2.5 लाख इन कॉलेज अकाउंट एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू पे एवरी ईयर 8.3 लाख्स, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो पे सेमिस्टर वाइज 4.15, व्हिच इंक्लूड ट्यूशन फी, फूडिंग, लॉजिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, दैट इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस एट ऑल. दैट मीन्स अगर हमें बात करें ट्यूशन फी, फूडिंग, लॉजिंग टोटली मिला के 8.3 × 5 रफली अराउंड 41,50,000 प्लस 2.5 44 लाख, एग्जाम फी, सेमिस्टर फी, लाइब्रेरी फी रफली अराउंड 3-4 लाख, तो 48 लाख में कंप्लीट पैकेज. यस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यू कैन पे छः महीने भी आप पे कर सकते हो. वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट इन मॉरिशियस. तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप मॉरिशियस के लिए प्लान कर रहे हैं, अन्ना मेडिकल कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको एडमिशन्स के लिए जाना है, तो डोंट डिले एट ऑल. कैसे एडमिशन्स होगा, एडुनम इज गोइंग टू हेल्प इट आउट एवरीथिंग, एडमिशन लेटर, वीजा इन्विटेशन लेटर, वीज़ा डॉक्यूमेंट अपोस्टल, एयर टिकट, एवरीथिंग हम लोग आपको हेल्प करेंगे. तो डोंट डिले एट ऑल, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज. और आप ये सोचेंगे सब तो नीट एग्जाम शुरू नहीं हुआ, तो नीट एग्जाम रिजल्ट आएगा उसके बाद हम सोचेंगे, तब तक मॉरिशियस में सीट नहीं बचेगा फॉर श्योर. बट यस, अगर आप फिर भी वेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप दूसरे कंट्री में ले सकते हो, कंट्री लाइक नेपाल, रसिया, बांग्लादेश, दूसरे कंट्री में आप ले सकते हो. दैट टू टॉप कॉलेज फिलअप हो जाएगा, जो न्यू कॉलेजेस है उनके लिए मिल सकता है, क्योंकि नीट एग्जाम डिले हुआ है. क्योंकि आपको पता है नीट एग्जाम नॉर्मली मई फर्स्ट वीक में होता है, बट उस कंट्री में कोई डिले नहीं. तो इसीलिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली. अन्ना मेडिकल कॉलेज के लिए भी ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट एज आई टोल्ड यू, कॉल दिस हेल्पलाइन नंबर, टेक द एडमिशन इमीडिएटली. एनी डाउट, एनी क्वेरीज, कॉल अस. थैंक यू वेरी मच, नमस्कार.